आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे आयरन मैन का टेक्नोलॉजी काम करता है और हर एक सूट में क्या एडवांसमेंट्स है और क्या ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कोई यूज़ कर सकता है। इस वीडियो में शुरू करेंगे एकदम मार्क वन से और हम लोग जाएंगे डायरेक्टली एंड गेम के सूट तक और बिलीव मी ये एक बहुत ही तगड़ा वीडियो होने वाला है। तो इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब आयरन मैन का फर्स्ट शो एयर हुआ था टीवी पे और वो फर्स्ट टाइम था जब हर एक बंदा लिटरली हर ये एक बंदा जो कि टीवी पे देख रहा था आयरन मैन वो फैसिनेट हुआ था देख के कि कैसे कोई बंदा इतना टेक एंथुजियास्ट हो सकता है वो भी 90s या 2000s के समय में। और उसी समय हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला था आयरन मैन। उसके बाद कई एडवांसमेंट्स आए, उसके बाद आयरन मैन की फर्स्ट मूवी भी आई जिसमें हमें मार्क वन दिखाया गया और वो एक ब्रेक थ्रू था, वो एक लिटरल ब्रेक थ्रू था जिसके थ्रू हमने समझा कि आयरन मैन कैसे अपना सूट को क्रिएट किया और उससे बहुत ही ज़्यादा आयरन मैन फैंस बने। मार्क वन टोनी स्टार्क का पहला आर्मर था जो उसने केव में बनाया और वही आर्मर उसे केव से एस्केप करने में भी हेल्प किया। मार्क वन में बहुत सारी खामियाँ थी लेकिन ये ड्यूरेबिलिटी गजब की थी। इसमें फ्लाइटेबिलिटी भी थी और इसमें वेपनरी भी थी। वेपनरी मेनली दो मेथड्स में थी, पहला था फ्लेम थ्रोअर जो उसके हाथों में थे और दूसरा था हैंड मिसल्स जो वन शॉट मिसल्स थे जो वो मैन्युअली हाथों से टारगेट करता था। स्टार्क ने मार्क वन के बाद मार्क टू को बहुत ही जल्द बनाया, उसने उसके डिज़ाइन को पूरा बहुत स्लीक रखा, वेपनरी को इम्प्रूव किया, लेकिन उसमें एक आइसिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। जब भी स्टार्क उसे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ले जाता तो वह हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जम जाता सूट और इमोबिलाइज हो जाता। तो इसको ठीक करने के लिए उसने मार्क थ्री में बहुत सारे चेंजेस किए और इस सूट को रोडी को दे दिया। मार्क थ्री मार्क टू का ही अपग्रेडेड वर्जन था जिसमें स्टार्क ने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए थे और पुराने सारे फ्लॉस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। पहला ऐसा सूट था जिसमें कि इंटीग्रेटेड और एडवांस्ड ऑनबोर्ड वेपन सिस्टम था। मार्क थ्री में गोल्ड प्लस टाइटेनियम का अलॉय यूज़ किया गया था की वजह से इसमें आइसिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी थी और आयरन मॉन्गर के साथ फाइट के बाद इसे बैटल डैमेज मार्क कर दिया गया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसे हमने वापस देखा हॉल ऑफ आर्मर में दूसरे सूट्स के साथ। इसके बाद टोनी ने जब मार्क फोर को डेवलप किया तो उसमें उसने भयंकर लेवल में फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। उसने उसे सुपर ह्यूमन का स्ट्रेंथ दिया और वो अब गन फायर को भी रोक सकता था उसका मेटल आर्मर। इसका स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुका था और इसमें उसने एडवांस रिपल्सर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था जिसमें कि अब टोनी इसी पे डिपेंड करता था एज अ प्राइमरी वेपन। मार्क फोर में मार्क थ्री की तरह मल्टी फायर मिनी गन्स भी थे दोनों शोल्डर्स पे उसके, जो कि मार्क थ्री में पहले से ही मौजूद थे। सर्कुलर लॉन्चर्स थे जो कि दोनों हिप्स पे थे। पहले से ही बहुत सारे इम्प्रूवमेंट थे मार्क थ्री में, लेकिन उसके बावजूद स्टार्क इसमें इम्प्रूवमेंट करने में कामयाब रहा। उसने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स मेटल प्लेटिंग का लेआउट चेस्ट के लिए और लिम्स के लिए इम्प्रूव किया जिससे कि उसे सूट को निकालने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी हुआ करती थी। लेकिन ये सूट भी मैंडरिन फोर्सेस के अटैक के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। मार्क फाइव को सूट के सूट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पोर्टेबिलिटी थी और पोर्टेबिलिटी इस तरह से थी कि इसे सूटकेस में किसी कहीं भी कैरी किया जा सकता था और कहीं भी इसे टोनी स्टार्क यूज़ कर सकता था। इसका फर्स्ट यूज़ हमने देखा विप्लैश के साथ फाइट में जब वो कार रेसिंग सीन चल रहा था। अब भले ही इस सूट में फ्लाइटेबिलिटी और वेपनरी नहीं थी लेकिन इसमें रिपल्सर्स बहुत ही अच्छे लेवल के थे। बात कर लेते हैं मार्क सिक्स की, तो मार्क सिक्स में टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें एक नया एलिमेंट का यूज़ किया गया था जिसे हम कहते हैं पोलैडियम। इसमें हमें फर्स्ट टाइम एक ट्रायंगुलर चेस्ट देखा था जो कि टोनी स्टार्क ने स्टार्क एक्सपो में फर्स्ट टाइम पहना था। उसने इसी सूट का यूज़ करके स्टार्क टावर को भी बिल्ड किया था। इसकी एक और कैपेबिलिटी थी कि ये अंडर वाटर फंक्शन कर सकता था, लेकिन हर एक सूट की तरह इस सूट के साथ भी वही हुआ, ये भी डैमेज हो गया शील्ड के हेलीपैड को रिपेयर करते समय। मार्क सेवन में ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट और असेंबली था और इस सूट का हेवी यूज़ हमें बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में चित्तौड़ी आर्मी के खिलाफ दिखा और चित्तौड़ी आर्मी को इस सूट ने गजब की टक्कर दी। सेवन में ट्रायलेजर सिस्टम था जिसको डायरेक्टली आर्क रिएक्टर से पावर मिलती थी, लेकिन इस फंक्शन को केवल एक बार ही यूज़ किया जा सकता। सूट में वास्ट इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद भी मार्क सेवन स्पेस ट्रैवलिंग के लिए सूटेबल नहीं था। इसीलिए हमने देखा कि जब टोनी मिसाइल को ले टेजरैक्ट ओपनिंग में जा रहा होता है तो उसके सूट के बहुत सारे फंक्शंस बंद पड़ जाते हैं जिससे उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। टोनी ने अपना एड्रेस लीक किया तो मैंडरिन फोर्सेस के अटैक से मार्क वन से मार्क सेवन तक सबके सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो गए और वो सभी के सभी एक बार में ही ख़त्म हो गए। मार्क एट से मार्क 42 के बीच के जितने भी सूट थे
उन सब के बारे में हमें मार्वल में कभी दिखाया ही नहीं गया, उनके डिटेल्स खाली कॉमिक में है, जहाँ पे मैन लीजन में हमें इसके बारे में थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मार्क 43 पहले टोनी स्टार्क को इस सूट में देखा गया था हाइड्रा के रिसर्च बेस के फाइट सीन में, और इस सीन में हमने देखा था टोनी स्टार्क ने हाइड्रा बेस को डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद सैल्वेज यार्ड में अल्ट्रॉन से फाइट के दौरान भी टोनी स्टार्क ने इसी सूट का यूज किया था, और हल्क बस्टर भी इसी सूट के ऊपर फिट हुआ था। सूट की ड्यूरेबिलिटी गजब की थी, जिससे कि इसने हाइड्रा के वेपन्स और अल्ट्रॉन के कंसेसिव वी बीम्स को भी झेल लिया था। सूट में यूज किया गया था कोलेप्सिबल प्लेटिंग का, जो कि इंस्पायर्ड था मार्क 5 और मार्क 7 आर्मर से। इसी के साथ इसमें हमें देखने को मिला सेंट्री गन्स, इंफ्रारेड स्कैनर और स्मार्ट मिनी गन्स। बाद आते हैं मार्क 44 पे, जिसे हम हल्क बस्टर के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्पेशलिटी थी कि ये लॉन्च होता था एक ऑर्बिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम था वेरोनिका। इसी सूट को बनाने के बाद आयरन मैन को एक बिल्डिंग भी खरीदनी पड़ गई, और इसकी कैपेबिलिटी में आती थी ऑटोनॉमिक रिपल्सर्स, प्रीहेंसाइज, इसके जैसे और भी बहुत सारे दूसरे फंक्शंस थे इसमें। मार्क 45 अब अल्ट्रॉन से लड़ने के बाद और माइंड कंट्रोल हल्क से लड़ने के बाद मार्क 43 और मार्क 44 दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो अब टोनी ने मार्क 45 बनाया, जिसमें एक नया एआई का यूज़ किया, जिसका नाम था फ्राइडे। सूट ने नोविग्राड को भी डिस्ट्रॉय किया सुकोविया में। सूट की स्ट्रेंथ कमाल की थी, जहाँ पे इसने शील्ड लाइफ वेट को उठा लिया। पल्सर्स इतने ज़्यादा जानदार थे कि इसने वाइब्रेनियम तक को मेल्ट कर दिया था। मार्क 46 ये एक ऐसा आर्मर था जिसमें कि सिर्फ गोल्ड और टाइटेनियम था, जिसमें टाइटेनियम लगभग 95.5% था और गोल्ड लगभग 4.5% था। और ये एक इकलौती ऐसी मूवी थी जिसमें टोनी स्टार्क ने पूरी मूवी एक ही सूट में गुजारा किया था। जब टोनी कैप्टन अमेरिका से फाइट कर रहा था, तब हॉकाई ने उसके हैंड पे एक एक्सप्लोसिव एरो मारा था, जिससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी आर्मर ने अकेला बकी को और कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट करने में स्टार्क की हेल्प किया था, और इसी के यूनिबीम ने टी के मेटल हैंड को तोड़ दिया और उसे एक हाथ का ठाकुर बना दिया था। इसी आर्मर ने कैप्टन अमेरिका के हैंड टू हैंड कॉम्बैट को रिकॉर्ड किया और एक हाथ से आर्मर रोकी और एक हाथ से कैप्टन अमेरिका को पेला। मार्क 47 सबसे पहले हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को मिला, जब स्पाइडरमैन लेक में गिर गया था, तब टोनी स्टार्क ने उसे रिमोटली वाईफाई से कनेक्ट करके कॉल किया और उसको भेजा ताकि वो स्पाइडरमैन की हेल्प कर सके। जब फेरी दो टुकड़ों में बट गया तो आयरन मैन को खुद आना पड़ा, और साथ में मिनी थ्रस्टर्स भी थे। इस सूट में देखने को मिला एडवांस लेजर सिस्टम, रिमोट कंट्रोल्ड, सेल्फ कंटेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मार्क 48 जिसको बनाया तो टोनी ने था, लेकिन यूज़ किया ब्रूस बैनर ने, बस्टर 2.0 के नाम से जानते हैं। मार्क 49 जिसे कि हम रेस्क्यू आर्मर के नाम से जानते हैं, जिसे कि पेपर पॉट्स ने फाइनली एंड गेम के दौरान पहना था, और इसका जो हेलमेट था इसको मॉर्गन स्टार्क ने भी पहना था। मार्क 50 जो कि टोनी स्टार्क का सबसे एडवांस आर्मर था, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, जिसमें कि मिली वेपन्स, इन्हेंसमेंट टूल्स और फ्लाइट वेपन्स थे, और मार्क 50 की एक ही स्लिंग शॉट ने टोनी को क्यू शिप तक पहुंचा दिया। टाइटन ग्रह पे थैनोस को सर फोड़ने के साथ साथ उसका मुंह भी तोड़ा था टोनी स्टार्क ने इसी आर्मर से। इस आर्मर ने हमारा दिल तब जीता जब इसने पावर स्टोन के को अपने शील्ड से रोक लिया। मार्क 50 के बाद 30 सूट्स और बने, जिसे हमें दिखाया नहीं गया, हो सकता है आगे चल के दिखाए आयरन हट के शो में। 85 जो कि आयरन मैन का सबसे एडवांस सूट था, जहां फ्राइडे के एग्जिस्टेंस के बाहर जाने पे बहुत सारे सूट के फंक्शंस बंद हो जा रहे थे, उसी चीज़ को टोनी ने इस सूट में सुधार लिया। लेकिन मार्क मेयोनीर के हिट ने टोनी स्टार को एक बार में ही बेहोश कर दिया था बैटल के दौरान। इसी के साथ मार्क 85 में हमें एक ऐसा वेपन दिखाई दिया जो कि आज तक हमने नहीं देखा था, जो कि था लाइट फोकसर। और मार्क 85 में लाइटिंग फोकस को इम्प्रूव किया गया और शील्ड को इम्प्रूव किया गया और होलोग्राम को भी इंक्लूड किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस सूट में इतनी कैपेबिलिटी थी कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को हार्नेस कर सके, और ये कोई मामूली बात नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मार्क 85 टोनी स्टार्क का एक सबसे मास्टरपीस सूट था। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने इस वीडियो में मार्क 1 से मार्क 85 के सारे डिटेल्स जान लिए हैं। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने कुछ नया ट्राई किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि एक भी डिटेल आप मिस नहीं कर सकते। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहने के लिए बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।